पूरे बिहार में टॉपर बन जाऊंगी, वो भी साइंस में। फर्स्ट रैंक का तो उम्मीद नहीं था, वो डर था एक, लेकिन ये था कि फर्स्ट से लेकर टेंथ तक में कोई ना कोई रैंक आ जाएगा मैथ्स में। मैथ्स में कितना मार्क है? 100। 100 में 100 नंबर मैथ में है जी। वाह। पिताजी का एक छोटा सा वो पनीर वाला है बिजनेस। अच्छा, पिताजी यानी कि छोटा सा एक दुकान चलाते हैं। बिटिया को टॉपर बनते हुए देखकर आप काफी भावुक भी हो गई हैं। जी हाँ। सबसे पहले मैं ही देखी थी टीवी में, तो इनसे इससे बोले आई उसे से क्या कि देखो तुम पहला रैंक लाई हो। हाँ। तो ये खुशी से गला लगा लो, मेरा आँख भर गया। बिल्कुल पढ़ते तो सब है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, एक तरीका होता है जिसे टीचर्स को इम्प्रेस किया जाए, तो उस पर बहुत काम किए, राइटिंग स्किल्स पे बहुत फोकस किए। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट में इस बार बेटियों का जलवा कायम रहा, और देखा जाए तो तीनों संकाय में बेटियों ने बाजी मारी है। अभी हमारे साथ बिहार टॉपर आयुषी नंदन है, जिन्होंने साइंस संकाय में 474 अंक लाकर पूरे बिहार में नंबर वन रैंक हासिल किए हैं, जिसके बाद इनको तमाम जो लोग हैं वो बधाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सब्जेक्ट को कहा जाता है कि सबसे हार्ड है, यानी कि मैथ, और मैथ में इन्होंने 100 में 100 नंबर हासिल किया है। बाकी हम इन्हीं से बात करेंगे, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऐसा लग रहा है पूरे बिहार में अब साइंस संकाय में टॉपर बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा था कि मुझे मैं जो है पूरे बिहार में टॉपर बन जाऊंगी, वो भी साइंस में? फर्स्ट रैंक का तो उम्मीद नहीं था, वो डर था एक, लेकिन ये था कि फर्स्ट से लेकर टेंथ तक में कोई ना कोई रैंक आ जाएगा। हाँ, और मैंने ये भी आपके बारे में सुना है कि 10वीं में भी आप टॉपर बने थे, बिहार में शायद 9वें या 10वें आपका रैंक था उस समय ना? 9th रैंक था ना। और देखा जाए तो इंटर में भी बिहार टॉपर बनी है जी। आखिरकार तैयारी या पढ़ाई कैसे की कि पूरे बिहार में टॉपर बन गई? बहुत सारे स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं वो तैयारी करते हैं, पटना जाते हैं तैयारी करने के लिए, मुजफ्फरपुर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन खगड़िया से रहकर आप कहीं ना कहीं टॉपर बनी हैं। जी बिल्कुल, पढ़ते तो सब है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, एक तरीका होता है जिसे टीचर्स को इम्प्रेस किया जाए, तो उस पर बहुत काम किए, राइटिंग स्किल्स पे बहुत फोकस किए, तो उसी का रिजल्ट आपके सामने। क्या कुछ आप अलग तैयारी की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज जाते हैं तो कोई कोचिंग से तैयारी करते हैं, तो कोई घर बैठे सेल्फ स्टडी करते हैं, सबसे ज्यादा योगदान आपका कहाँ से रहा? कॉलेज भी जाते थे, इंस्टीट्यूट भी, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट का ही वो होता है क्योंकि ज़्यादा फोकस उसी पे करते थे, और उसके बाद सेल्फ स्टडी। अच्छा, इंस्टीट्यूट यानी कि कोचिंग में गई और दूसरा सेल्फ स्टडी। एक दिन में पढ़ाई कैसे कर रही थी, कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी? वो टाइम को मैनेज करना पड़ता था, क्लास से आते थे उसके बाद नोट्स को रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करते रहना, ये था। हाँ। और हम लोग का कोचिंग भी ना थोड़ा दूर पड़ता है, तो रास्ते में भी आते जाते लर्न करना, चीज़ों को रिमाइंड करना। कितने किलोमीटर तक कोचिंग पढ़ने जा रही थी? 8 किलोमीटर तक। और घर पे एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी? मिनिमम 8 घंटा, नहीं मिनिमम 8 घंटे पढ़ाई कर रही थी जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स है? मैथ्स में। मैथ्स में कितना मार्क है? 100। 100 में 100 नंबर मैथ में है जी। वाह, तो ये कैसे मतलब हो गया है? सबसे पहले तो मैथ वाले सर को थैंक यू, क्योंकि उन्हीं के वजह से 100 आउट। लेकिन मैथ कहा जाता है कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, हमको भी मैथ में डर लगता था, लेकिन उनका बिलीव था कि मैथ में हम बहुत अच्छा करेंगे, वो हमको पता नहीं था हम अच्छा करने वाले, लेकिन टीचर जो रास्ता दिखाते हैं उनको बिलीव था कि हम कुछ अच्छा करेंगे। शिक्षक को पूरा विश्वास था कि आप बहुत अच्छा करेंगे ना? जी बिल्कुल, उन्हें कॉपी में लिख दिया था कि तुम इस बार भी टॉप करोगे। बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का एक छोटा सा वो पनीर वाला है बिजनेस। अच्छा, पिताजी यानी कि छोटा सा एक दुकान चलाते हैं, हालांकि इसके बाद भी कहीं ना कहीं आप पे उन्होंने ध्यान दिया और किसी तरह आपको पढ़ाए ना? जी। अच्छा, मेहनत तो नहीं की थी। जब पहली बार जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको पता चला, आपको पता चला, मम्मी को या दादाजी को, दादी को, सबसे पहले मम्मी और दादी का? सब लोग एकदम देखकर क्या मन में, मतलब सब लोग का हुआ? थे, देखे ना, सब इमोशनल थे, उसके बाद खुश थे सब। अच्छा, और बहुत प्राउड फील कर रहे थे हम पे। इनके दादाजी भी साथ में है, इनसे भी हम बात करेंगे। दादाजी बहुत बहुत शुभकामना आपको, आपकी जो घर के ये बिटिया है कहीं ना कहीं पूरे बिहार में टॉपर बनी है। जी, हम बहुत खुश हैं और सोचते हैं कि आगे भी कुछ ऐसा करके दिखाएं। अच्छा, आपको उम्मीद था कि आपके घर की कहीं ना कहीं बच्ची जो है पूरे बिहार में टॉपर बनेगी? हम पूछे थे। हाँ। परीक्षा के बाद। हाँ। कि हमारा जो सपना है हो जाएगा पूरा। अच्छा, आपको पहले ही से लग रहा था कि बेटियां पढ़ने में तेज है तो टॉपर जरूर बनेगी ना, उम्मीद था। बाकी इनके माँ से भी हम बात करेंगे। माता जी आपको बहुत बहुत बधाई।
जी थैंक यू। कैसा लग रहा है कि आपकी जो बिटिया है बिहार में टॉपर बनी हुई है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी की बात है कि इतना बिहार में एक नंबर लाना। हाँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मतलब लाना आसान नहीं होता, वो भी एक नंबर लाना। और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। नहीं, पढ़ाना चाहिए, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। आज तो बेटा बेटी से इतना आगे है कि इतनी कुछ का बता नहीं सकते। हाँ। इसीलिए बेटी को भी उतना सपोर्ट करो जितना बेटा को करते। हाँ। और कहीं ना कहीं बिटिया को टॉपर बनते हुए देखकर आप काफी भावुक भी हो गई हैं। जी। हाँ। सबसे पहले मैं ही देखी थी टीवी में, तो इनसे इससे बोले आई उसी से क्या कि देखो तुम पहला रैंक लाई हो। हाँ। तो एक खुशी से गला लगा ली, मेरा आँख भर गया, फिर दौड़ के गई दादी के पास, दादी को बताई, फिर दादा को फोन किया। सबसे पहले तीन जाने, उसके बाद सबको, यानी देखकर काफी खुशी मिला। और सबसे पहले आपके माँ को ही पता चला, आपका रिजल्ट माँ ही देखी ना। और सुन के, हाँ, क्या ये सब मोबाइल पर सर्च कर रहे थे, लैपटॉप पर हम न्यूज देख रहे थे ना, बिहार झारखंड, उस पर लाइव चल रहा था, उस पर देखे। अच्छा आयुषी, ये बताइए कि अभी आप जो है टॉपर बनी हुई है, आगे अपना सपना, मतलब सपना क्या कुछ है, क्या बनना है आप, आगे आपको? आईएएस ऑफिसर। आईएएस बनना है जी। अच्छा, आईएएस बनकर क्या कुछ आप अलग करने को सोची है? अलग तो नहीं करना, बस जो है उसको अच्छा करना है, लेवल जैसे गांव का लेवल है उसको थोड़ा बढ़ाना है। और ऐसा बोला जाता है कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बिहार बहुत पिछड़ा है, तो उसको ऐसा दिखाना है बिहार नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यानी कि बिहार को जो पिछड़ा जो लोग कहते हैं तो बिहार को आगे बढ़ाना है और इसमें अपना सहयोग करना है ताकि लोग बिहार को पिछड़ा नहीं बोले। दादी आपको कैसा लग रहा है, आपकी घर की जो बिटिया है कहीं ना कहीं टॉपर बनी हुई है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, खुशी से एकदम मिठाई उठाई खिलाई कि नहीं? हाँ, मिठाई खिलाई। अच्छा, मिठाई खिला दिए। अच्छा आयुषी, अभी के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, हालांकि मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेहनत के साथ साथ वो स्मार्ट वर्क भी करें और वो अपने नोट्स पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, नोट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करें, और क्या कुछ? और हमेशा वो पिछले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिवाइज करते रहें, रिकॉल करते रहें, वो ज़्यादा बेनिफिट देता है। हाँ। और लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ। अब सोचिए कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो बिहार के कई ऐसे शहर हैं बड़े बड़े जहाँ पर बच्चे जो है वो टॉपर नहीं बने हैं, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो छोटे छोटे शहरों की जो बच्चियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर टॉपर बन के दिखाई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गाँव के अब छोटे छोटे शहरों की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो भी सफल हो सकते हैं अगर मेहनत करें तो। बाकी हम बिहार बोर्ड की टॉपर आयुषी नंदन के घर पे पहुंचे हुए थे और उनसे बातचीत किए कि आखिरकार उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।